हेलो एंड वेलकम, आई एम शेफ संजीव कपूर और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ फटाफट हो जाए और ऐसी चीज़ों से जो घर में आसानी से मिल जाए। लेकिन घर पे क्या है, पहले फ्रिज में देख लेता हूँ क्या क्या है मेरे पास में। एक्चुअली प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रेड, रवा, टेंशन वाला काम है। नहीं नहीं, टेंशन किस बात की, न्यूट्रलाइट मेयो भी मेरे पास में है। प्याज लेते हैं और क्या बनेगा मुझे भी पता नहीं है, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई, कुछ अलग बन सकता है या नहीं बन सकता है। थोड़ा सा कैप्सिकम, ये सूजी मेरे पास में है, और इसके साथ में ये दही। चलो ये ज़रा मिक्स करता हूँ, और थोड़ा हरी मिर्च। टमाटर ये लो जी, और अब लेट्स सी, न्यूट्रलाइट वेज मेयो विद विटामिन ए, D2 एंड E, मतलब विटामिन्स जो है ना। हाँ, एगलेस मेयोनेज, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पहले ना एगलेस मेयोनेज मुझे याद है, लोग होटल में हमारे आते तो पूछते थे कि आपकी मेयोनेज एगलेस है या नहीं है, और तब एगलेस मेयोनेज मिला नहीं करती थी। तो हम लोग कहते थे कि अच्छा हम एक काम करेंगे, हम लोग ना आपको दे देंगे दही के साथ में कुछ। तो कहते नहीं नहीं, मेयोनेज का जो टेस्ट है नाइस क्रीमी, वैसा हमें चाहिए। खैर अभी भी घर पे एगलेस मेयोनेज बनानी हो तो जैसी बाज़ार में मिलती है, जैसे न्यूट्रलाइट की है, वैसी तो घर में बनती ही नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, ये मेरे पास ब्रेड, और ब्रेड को मैं ये लेता हूँ, ये लगाया मैंने मेयोनेज को, और ये लगा दिया मेयोनेज इसके ऊपर, ये भी लगा दी। अच्छा अब देखो कि मैंने जहाँ मेयोनेज लगी हुई थी ना उसी के ऊपर इसको रख दिया। उसका रीज़न है कि एक तरह से दोनों साइड पे मुझे इसके मेयोनेज लगानी है। ये हो गई। चलो जी, ये जो मेरे पास में है ये अब थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया, थोड़ी सूजी जो है वो सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। इसके अंदर हम डाल देते हैं ये हमारा मेयोनेज, और इसको कर देते हैं मिक्स। इसके बाद में ये जो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च है, इसको इसके अंदर डालता हूँ, और इसके साथ में नमक। वैसे मेयोनेज के अंदर भी अपना नमक है, लेकिन क्योंकि सूजी, दही और ये सारी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से नमक हमें चाहिए। चलो जी, थोड़ा सा इसको और रेस्ट देते हैं ताकि जो रवा है, सूजी है, वो अच्छी तरह से और फूल जाए। जब सूजी इस तरह से हाइड्रेट हो जाती है तो फिर इसको पकने में कम समय लगता है, और हाँ पकाना तो है ना अभी इसको। और इसके बाद ये हमारे पास में जो ब्रेड के स्लाइस, इसके ऊपर ये मिक्सचर, और इसे अब देखिए ये जो नीचे इसके थोड़ी सी मेयोनेज लगी हुई थी वही इसको पकाने का काम करेगी। इसी तरह से ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इसको स्प्रेड कर देते हैं। नाइस। अब एक काम करना है, इसको ढक्कन लगा देते हैं, धीमी आंच के ऊपर इसे पकने देंगे। ढक्कन लगाने से क्या होगा कि इसके अंदर अपनी जो इसकी हीट है वो पूरी तरह से इसको पकाना शुरू कर देगी, और फिर उसके बाद में जब नीचे से बढ़िया से वो टोस्ट हो जाएगा फिर इसको हम पलट के पकाएंगे, लेकिन तब तक इसको अपनी हीट में पकने देते हैं। चलो जी, ये करारा खुशबू आ रही है। नाइस, वेरी गुड, और इसको पलट के फिर से लगा देते हैं ढक्कन, फिर इसको पकने देते हैं। इसी तरह से इसके अंदर अपना मॉइस्चर है, क्रीमिनेस है, टेस्ट है, और उसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर हमने न्यूट्रलाइट मेयो डाली है तो उसमें जो उसका फैट है
वो अच्छी तरह से इसको बढ़िया टेस्ट देगा, क्रिस्पनेस देगा, खुशबू अच्छी आ रही है। तो ये जो है इसको हम काट देते हैं। ये ब्रेड के पीसेस, नाइस, लिल टैंगी, थोड़ा स्पाइसी, बट इट्स क्वाइट फिलिंग एंड द थिंग दैट इज बाइंडिंग इट ऑल टुगेदर एंड रियली वेल, दैट्स न्यूट्रलाइट मेयो। अब हेल्दी बन गया, टेस्टी।